आज होली है इसलिए गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ होली खेलने के लिए बहुत सारे लोग इनके घर आए हुए हैं और अभी ये लोग बहुत सारे गेम खेलने वाले हैं जिसमें पहले वाले गेम के बारे में बाबा बताने वाले हैं। सोन कहता है तो बताइए बाबा पहले वाले गेम में हमें क्या करना है। हाँ हाँ सोन बता रहा हूँ, तो देखो सब लोग यहाँ पे दो टीम है जिसमें छह छह लोग हैं। पहले वाले टीम में रॉड, गुल्ली बुल्ली, सोन, रेड क्रिमिनल और आलोक है और दूसरे टीम में स्केरी टीचर, ग्रेनी, ग्रैंडपा, इविलन, हेलो नेबर और जेसन है। तुम सभी को एक एक चांस मिलेगा अपने सामने वाली टीम में से किसी एक को आउट करने का। तुम लोगों के हाथ में जो वाटर बैलून है तुम्हें उसे सामने वाली टीम को फेंक कर मारना है। तुम लोगों का निशाना जिस पर भी लगेगा वो आउट हो जाएगा और लास्ट में जितने भी लोग बचेंगे वो आगे का गेम खेलेंगे। चलो तो सबसे पहले आलोक और स्केरी टीचर की बारी है। बाबा की बात सुनकर स्केरी टीचर वाटर बैलून को सामने वाली टीम को फेंक कर मारती है, लेकिन अरे ये क्या, स्केरी टीचर का निशाना तो किसी पे लगा ही नहीं। और अब आलोक की बारी। आलोक जैसे ही वाटर बैलून को फेंकता है तो ये बैलून सीधा जाकर ग्रेनी को लगता है। अरे वाह आलोक, तुमने क्या निशाना लगाया है, अभी तो ग्रेनी की बारी आने वाली थी लेकिन तुमने तो इसे खेलने भी नहीं दिया। जाओ ग्रेनी साइड में जाकर रोना धोना करो। ग्रेनी कहती है ये तो चीटिंग है बाबा, मुझे तो गेम खेलने को भी नहीं मिला और मैं आउट हो गई। देखो ग्रेनी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम आउट तो हो चुकी हो। चलो अब ग्रैंडपा और रेड क्रिमिनल की बारी है। बाबा की बात सुनकर पहले रेड क्रिमिनल बलून फेंकता है। अरे ये क्या, रेड क्रिमिनल का निशाना तो लगा ही नहीं। गुल्ली कहता है अरे ये क्या किया तुमने रेड क्रिमिनल, मैंने तो सोचा था कि तुम भी किसी को आउट करोगे लेकिन चलो कोई बात नहीं। और फिर ग्रैंडपा बलून फेंकते हैं। अरे नहीं, ग्रैंडपा का निशाना तो बुल्ली पे लग गया। ग्रैंडपा कहते हैं देखा ग्रेनी, तुम्हारा बदला ले लिया ना मैंने, तुम्हें आलोक ने आउट किया था तो मैंने बुल्ली को आउट कर दिया। मैं स्केरी टीचर की तरह बकलोल थोड़ी ना हूँ जो किसी पे भी निशाना ना लगा पाऊँ। सोच समझ कर बोलिए ग्रैंडपा, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। अरे अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो स्केरी टीचर, बुरा ना मानो, होली है। स्केरी टीचर कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि आज होली है, चलो फिर छोड़ देती हूँ आपको, अगर आज होली नहीं रहती ना तो आपका क्या हाल होता ये आप सोच भी नहीं सकते। बाबा कहते हैं तुम भी आउट हो चुके हो बुल्ली, चलो एक काम करो जितने भी लोग आउट हो चुके हैं या बलून फेंक चुके हैं वो सब पीछे हो जाओ। बाबा की बात सुनकर सारे लोग पीछे हो जाते हैं। चलो अब सोन और इविलन की बारी है। सोन कहता है चलो पहले तुम निशाना लगाओ इविलन, देखना तुम किसी को भी आउट नहीं कर पाओगी। ये सुनकर इविलन गुस्सा हो जाती है और गुल्ली रॉड और सोन की तरफ बलून फेंकती है, लेकिन अरे ये क्या, इसका निशाना तो सच में किसी पे नहीं लगा। ये देखकर सोन इविलन पे हंसने लगता है। ज्यादा हंसो मत सो नहीं तो दांत बाहर आ जाएगा और अगर नहीं आएगा तो मैं निकाल दूंगी। मैं निशाना नहीं लगा पाई तो क्या हुआ, तुम कौन सा लगा दोगे निशाना, चलो जल्दी फेंको बलून। अच्छा इविलन ऐसी बात है तो ये देखो। अरे नहीं, सोन का भी निशाना किसी पे नहीं लगा। ये देखकर इविलन हंसने लगती है लेकिन सोन कुछ नहीं बोलता क्योंकि ये कुछ बोलने के लायक ही नहीं बचा। बाबा कहते हैं चलो सोन और इविलन तुम दोनों पीछे हो जाओ क्योंकि अब गुल्ली और हेलो नेबर की बारी है। बाबा की बात सुनकर गुल्ली अपना वाटर बैलून हेलो नेबर और जेसन की तरफ फेंकता है। अरे ये क्या, गुल्ली ने तो हेलो नेबर को ही मार दिया, इसका मतलब हेलो नेबर हार चुके हैं। गुल्ली कहता है बाबा मैंने हेलो नेबर पे निशाना लगाया, इसका मतलब वो आउट हो चुके हैं, तो अब वो निशाना नहीं लगाएंगे ना किसी पे। नहीं गुल्ली, मैंने हेलो नेबर का नाम ले लिया है इसलिए उसे निशाना लगाना पड़ेगा, चलो हेलो नेबर फेंको बलून। बाबा की बात सुनकर हेलो नेबर बलून फेंकते हैं लेकिन इनका निशाना किसी पे नहीं लगता है। चलो अब जेसन और रॉड की बारी है, बाकी लोग पीछे हो जाओ। जेसन जैसे ही बलून फेंकता है तो इसका बलून सीधा जाकर सोन को लगता है जो कि पहले से ही आउट है। वाह जेसन, क्या निशाना लगाया है तुमने, चलो अब मेरी बारी। ये कहकर रॉड जेसन पे बलून फेंकता है और ये बलून सीधा जाकर जेसन को ही लगता है। बाबा कहते हैं चलो अब गेम खत्म हो चुका है, तुम में से जितने भी लोगों ने सामने वाले को आउट किया है वो आगे आ जाओ, लेकिन जेसन तुम नहीं क्योंकि तुमने आउट बंदे पे निशाना लगाया। बाबा की बात सुनकर ग्रैंडपा आलोक गुल्ली और रॉड आगे आ जाते हैं। बाबा कहते हैं चलो अब आगे का गेम कौन बताएगा, जल्दी बताओ। सोन कहता है मैं बताता हूँ बाबा, मैंने सब कुछ पहले ही सोच लिया है, अगला गेम रेस होने वाला है, इन चारों में जो भी रेस में फर्स्ट आएगा वो आगे के गेम के बारे में बताएगा जो कि हम सब लोग खेलेंगे, चलो तो अब रेस शुरू करते हैं। ये कहकर ये लोग दूसरे रोड की तरफ आ जाते हैं जहाँ सोन ने लाइन दिया है। सोन कहता है सुनिए ग्रैंडपा आलोक गुल्ली और रॉड, मैंने सामने रोड पर भी एक लाइन दिया है, तुम लोगों को भागते हुए वहाँ जाना है और वापस यहाँ आना है, जो भी सबसे पहले यहाँ आएगा वो इस गेम को जीत जाएगा और जो भी इस गेम को जीतेगा वही बताएगा कि हम सब आगे कौन सा गेम खेलेंगे और वो अकेले स्विमिंग पूल में तैर भी सकता है। चलो तो अब रेस शुरू करते हैं, एक दो तीन, तीन तक गिनते गिनते ही सारे लोग दौड़ना चालू करते हैं, पता नहीं कौन इस रेस में फर्स्ट आने वाला है।
सबसे पहले इस लाइन के पास गुल्ली आता है और घूमते हुए वापस जाने लगता है। लगता है इस रेस में गुल्ली फर्स्ट आएगा। अरे नहीं, गुल्ली फर्स्ट आने वाला था लेकिन आलोक ने उसे पीछे कर दिया और इस गेम को जीत गया। चलो आलोक, पहले तुम स्विमिंग पूल में तैरकर मजे ले लो, फिर हमें बताओ कि आगे कौन सा गेम खेले हम लोग। सोन की बात सुनकर आलोक स्विमिंग पूल में कूद जाता है और तैरने लगता है। सारे लोग यहाँ पे ये सुनने के लिए खड़े हैं कि आलोक किस गेम के बारे में बताने वाला है। आलोक कुछ सोच ही रहा था कि तभी यहाँ चुन्नी आ जाता है और कहता है, अरे आप लोग स्विमिंग पूल के पास क्या कर रहे हो? अगर कोई गेम खेल रहे हो तो मुझे भी बताओ, मैं भी खेलूंगा। गुल्ली कहता है, अरे चुन्नी इतनी देर से तुम कहाँ थे? हम लोगों ने तो दो गेम खेल भी लिया और अब तीसरा गेम खेलने वाले हैं। चुन्नी कहता है, मैं अपने स्कूल के दोस्तों के साथ होली खेल रहा था और पता है आप लोगों को, आज मेरे दोस्तों ने मुझे नाली में फेंक दिया था। फिर मेरी उन लोगों से लड़ाई हो गई थी, एक दोस्त ने मुझे मुक्का मार दिया था तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को नाली में फेंक दिया, वो लोग मुझे हल्के में ले रहे थे, अब वो लोग मुझसे डरने लगे हैं। वैसे मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि आप लोग यहाँ गेम खेलने वाले हैं, नहीं तो मैं गुल्ली बुल्ली और सोन से भी पहले यहाँ आ जाता। ग्रेनी कहती है, पागल हो क्या चुन्नी, गुल्ली बुल्ली और सोन तो यहीं रहते हैं तो तुम इनसे पहले कैसे आ जाते? देखिए पापा, ग्रेनी मुझे पागल बोल रही है, आप इसे फ्रीज कर दीजिए। रॉड कहता है, चुन्नी तुम गुस्सा मत करो, अभी आलोक एक गेम के बारे में बताने वाला है, उस गेम को हम सब लोग खेलेंगे, तुम भी खेल सकते हो। ये सुनकर चुन्नी भी आलोक को देखने लगता है। कुछ ही देर में आलोक कहता है, चलो मैं आप सबको कहीं लेकर चलता हूँ, वहाँ गेम खेलेंगे हम लोग। रास्ते में मुझसे कुछ मत पूछना, वहीं जाके बताऊंगा उस गेम के बारे में। ये कहकर सब लोग आलोक के साथ कहीं जाने लगते हैं। पता नहीं आलोक सबको कहाँ लेकर जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताओ कि आलोक सबको कहाँ लेकर जा रहा होगा और आगे कौन सा गेम होने वाला है, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। और अगर आप आगे की स्टोरी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में मुझे टैग करते हुए लगाओ, मैं आपकी स्टोरीज को खुद की स्टोरीज में लगाऊंगा। तो ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम अगली वीडियो में आए तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर अपना नाम कमेंट कर दो।